जी ना, आप इस वीडियो में भी वो जो पिछली बात आपको बताई थी कि फ्लक्स डायरेक्शन की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो रो वाइज होती है, तो अभी हम इसको रो एक बार दे के देख लेते हैं कि वो बात सच्ची है या नहीं है। तो हम इसको फ्लक्स डायरेक्शन को यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने हेडर में जाके इसको, उन्होंने कहा हेडर और फुटर को देनी है, तो आपने इस हेडर को ध्यान में रखना है और इस पर अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसको पहले ही डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जो इसकी हॉरिजॉन्टली हमने असाइन भी की हुई है, ठीक है, तो हम नहीं भी देते तो इसकी रो होती है, ठीक है। तो उसके बाद इसको हम कॉपी करते हैं, तो इसने भी इसको सेम चीज़ कही है कि आपने रो वाइज है, और हमने किया भी उसको पिछली वीडियो में, रो वाइज इसको कर दिया था जो कि हमने प्रॉपर्टी दी थी, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं, फुटर में भी जाके इसकी प्रॉपर्टी फ्लक्स डायरेक्शन की रो कर देते हैं, तो इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन चैलेंज जो है हमारा कम्प्लीट हो चुका है।